हाय, तो आईपीएल के जान नोचू फैंस के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और जो लोग आईपीएल नहीं देखते हैं यार, तुम लोग सही हो यार, ना कोई दुख अपनी टीम के हार जाने का। और अगर तुम दिल्ली, पंजाब या फिर बेंगलुरु के फैंस हो तो खुशी तो नसीब ही नहीं है खैर, बट सही है। बाकी जो पढ़ चुके हैं इस विल्ले के कुएं में, वो मेरी तरह ये वीडियो एंजॉय करो। और क्या, तो आज हम करेंगे फैसला कि आईपीएल होता है फिक्स पूरा। ए भैया ए वो भी सकता है। इंडियन प्रीमियर लीग म्यूजिक एडिशन। आज फैसला ये होगा कि कौन सी आईपीएल टीम का बेस्ट थीम सॉन्ग है, और उस हिसाब से आज हम रैंकिंग देने वाले हैं आईपीएल टीम्स के गानों को। और सारे गाने मैं सुनूंगा आज आप लोगों के सामने, ठीक है, लाइव। वो अलग बात है कि मैंने कुछ गाने सुन रखे हैं और कुछ गाने मेरे दिमाग में बैठे हुए हैं, जैसे कि मैं दिल्ली का फैन हूँ। हंसने कोई जरूरत नहीं है इस बात पर, ठीक है ना। तो मैं दिल्ली का फैन हूँ तो मेरे को वो गाना अच्छी तरह से रटा हुआ है, वो दिल्ली रे तू रोर मचा, म्याऊं ही मचा दो यार। तो चूंकि पिछले 10 साल में आईपीएल में कुछ टीमों के फेर बदलाव हुए हैं, कुछ टीमें आई हैं, कुछ टीमें चली गई, तो इस हिसाब से मुझे फूंक फूंक के कदम रखने चाहिए और एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए कि आईपीएल में एक्चुअली कौन कौन सी टीमें और कितनी टीमें। 10 टीमें मुझे पता है, ठीक है ना, बस मैं भूल जाता हूँ, बहुत सारी हो जाती है कभी कभी। तो मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हर टीम का थीम सॉन्ग सुनूंगा साथ साथ, फिर एंड में जाके एकदम प्रोफेशनली रैंकिंग देने वाले हैं, ठीक है, हर गाने को म्यूजिक के हिसाब से। वो छिलका रे, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार मेरे द्वारा सबसे ज्यादा पसंद का अपोजिट की जाने वाली टीम सबसे ऊपर आती है, तो मैं उसका गाना सबसे पहले सुनूंगा, ठीक है यार। 7 ट्रॉफी जीत जाओ फिर शायद धोनी भैया छोड़े स्क्वाड को, और जहां तक मुझे याद है ये वो विसल पोड़ू वाला गाना होने वाला है जो कि मैं सुन चुका हूँ। और चेन्नई सुपर किंग्स के चैनल पे जाके मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक गाना 14 साल पहले रिलीज हुआ था 2010 में, और एक लेटेस्ट वाला रिलीज हुआ है पिछले साल 11 मंथ को, तो हम वो वाला सुनेंगे। सेम सॉन्ग है। भाई हुक है बहुत बढ़िया, ठीक है, ये कैची हुक है, और इसमें जो परकशंस यूज हुए हैं ना, जो साउथ इंडियन परकशंस हैं प्रॉपर, वो जो बेस वाला जो आ रहा है ना, हम करके एक आ रहा है, एक साउंड आ रही है, वो बहुत मतलब कल्चर को प्रदर्शित करते हुए इन्होंने डाला है, और बहुत अच्छा डाला है म्यूजिकली भी देखा जाए तो। आई वुड से इट्स अ नाइस सॉन्ग मैन। ट्यूबलाइट है पकड़ा दी इन लोगों को। चेन्नई सुपर किंग्स का मिसलपुर, very nice, very nice, I like it. Bohemian Thalaspedi, हाँ, ये गाना भी मुझे याद है 2009-2011 के टाइम पे हुआ करता था, और यही शायद पहला गाना था। ये ओरिजिनल नहीं है ट्यून, ये क्वींस बैंड की है ये ट्यून, और ओरिजिनल गाना था वी विल रॉक यू। अब आते हैं हम दिल्ली कैपिटल्स के ऊपर। 4 साल पहले इनका लेटेस्ट गाना आया है, जब से डीसी बनी है। अमित त्रिवेदी ने बाय द वे प्रोड्यूस किया है ये म्यूजिक। भाई कह दो कि ये कैची नहीं है, कह दो कि इसका हुक खराब है, कह रहे हो क्या? नहीं है भाई, मत कहो यार, अच्छा है, प्रॉपर गाने की तरह साउंड कर रहा है ये। और अमित त्रिवेदी इज द रीजन, मैं पहली बार पूरा सुन रहा हूँ इस गाने को, अभी तक मैंने हुक ही सुना था। देख रहे हो अंतरा अंतरा सब है इसमें। कब मचाएंगे लेकिन रोर, 15 साल तो हो गए। वाइब है भाई। अरे ये क्या याद दिला दिया यार, WPL, यहाँ अभी RCB भी जीत गई अब तो। दिल्ली के गाने की अगर मैं बात करूँ तो इट वॉज प्रॉपर सॉन्ग भाई, मेरे हिसाब से वेल डन सॉन्ग। और देखा एंडिंग भी कितनी बढ़िया की है, वो छिलका रे। गुजरात टाइटंस के पास आते हैं, गुजरात टाइटंस। ओए गोटीलो वाले भैया हैं ये तो, क्या नाम है इनका, आदित्य गढ़वी। नाइस। One, two, three, four. टिपिकल गुजराती बीट दी है भाई ने, फैंस का शोर, एनर्जी है भाई। ओके, नॉट बैड, नॉट बैड एट ऑल, बढ़िया है ये भी, बट बाकी दोनों से मैं कहूंगा कि हाँ
चेन्नई और दिल्ली का बेटर है, और चेन्नई और दिल्ली के मैं अगर कहूँ तो आई थिंक वो छिलका रे, एनर्जी वाइज अगर मैं कहूँ तो चेन्नई की एनर्जी ज्यादा है। लेट द फैक्टर ऑफ बींग अ थीम सॉन्ग बी ऑल्सो बी कंसिडर्ड, की वजह क्या है इन गानों की, इन गानों के पीछे की इंटेंशन क्या है, वो ये है कि अपनी टीम्स को चीयर करवाना। तो कौन सा गाना वो कर पा रहा है, विद गाने का ये भी पर्पस होना चाहिए कि फैंस के दिमाग में बैठ जाए और वो याद रखें उस गाने को, और वो सब फैक्टर्स कुल मिला के अगर मैं देखूं और मैं ये बताऊं कि कौन सा थीम सॉन्ग बेटर है, तो आई थिंक बाद में आते हैं इस पे, KKR पे आते हैं अभी। अच्छा ये वो वाला है, कर बोलो वो जीत बोरे, 10 साल पहले आया था, और KKR एंथम अभी 2 साल पहले, 2 साल पहले वाला देखेंगे हम। ये क्या पुट्ठे दिखा रहे हो तुम तो डायरेक्ट। हासिल करने को पूरा आसमान है, ये क्या बवासीर बना दियो वे, कितना बढ़िया गाना था यार पहले वाला, कानों की तृप्ति हो जाए। ये कंसीडर नहीं कर रहा हूँ मैं पहली बात तो, मैं सारे लेटेस्ट गानों की बात कर रहा हूँ। KKR डिसअपॉइंटेड मैन, ये क्या गाना था, ये था यार क्या थीम सॉन्ग था, पता नहीं क्या बना दिया। अब लखनऊ के भी देख लेते हैं, अब अपनी है बारी, अपनी बारी है, अब अपनी बारी है। तुमने जो करना था कर लिया, हमने जम्मा ब्रा बादशाह कहती सुनो क्या ये बीट, सिंगर का नाम बताओ मुझे, अबे बादशाह ही तो बना हुआ है। अरे यार कोशिश करूंगा कि सुन पाऊं पूरा। वाह बेटा वाह, यहाँ भी डाल दिया पारा वारा गर्मी और ठीक ही है। एक तो बीट भी अजीब सी डाली है। Boys, you got the wrong person for your theme song, buddy. ये तो यहाँ पे भी seduce मार रहा है। करता वो डायल है और ये भाई मैच खेलने जा रहे थे भाई हम, ये क्या कर रहा है। लास्ट सो फार, लखनऊ तो नंबर 5 पे सो फार, कोलकाता नंबर 4, गुजरात नंबर 3, वो छिलका रे, मुंबई पे आते हैं अब। अरे यार बॉम्बे थीम नहीं भाई, मुंबई इंडियंस है मुश्किल भाई मेरी जान, नई ट्यून तो बना लेते। एक और ऐसी ऐड आई थी इसी ट्यून पे, येलो डायमंड्स, यही ट्यून है क्या इनके पास, शान ने गाया वो तो मैंने सुन लिया, बट स्टिल बेटर देन लखनऊ क्योंकि ओरिजिनल कॉम्पोजिशन नहीं है। आई वॉन्ट ओके, हाँ ये था ना, दुनिया हिला देंगे हम, ये थी ओरिजिनल, दुनिया हिला देंगे हम, अब दुनिया हिला रे। पहली लाइन सुन के लगा KK की आवाज है, दुनिया हिला देंगे हम, दुनिया हिला देंगे, ये था यार गाना, बट सिंस वी आर नॉट कंसीडरिंग द ओल्ड वंस, मुंबई वोंट गो एनी अप, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, अच्छा गाना बनाओ अगली बार। एक तो हर सीजन में आ जाते हैं, IPL जीत के चले जाते हैं कैजुअली, देख रहे हो 5 ट्रॉफी ये लेके बैठे हैं, 5 CSK लेके बैठी है। IPL होता है चेन्नई और मुंबई का, बाकी टीमें हैं बस कि ऐसा ना लगे कि दो ही लोग खेलने आए हैं यहाँ पे, और एक आध सीजन में जिता देते हैं बाकियों को भी, टुच्ची पुच्ची टीमों को भी। एनी हाउ पंजाब किंग्स का भी देख लेते हैं, क्रिस गेल दिख गए मुझे, साडा पंजाब, इंटरेस्टिंग मिक्का, एनर्जी है इसमें भी, ओके धूम पंजाबी, धूम धूम
नाइस एनर्जेटिक और अरेंजमेंट भी उस हिसाब का ही दिया है, मतलब प्रोड्यूस भी वैसा ही किया है, गाया भी अच्छा है मीका जी ने। ओवरऑल कॉम्पोजिशन इतनी कैची नहीं है बट अच्छी है। राजस्थान रॉयल्स पे आते हैं अब, दी फर्स्ट चैंपियंस ऑफ आईपीएल, जो उसके बाद जीतना ही भूल गए। ओहो ये भी अमित त्रिवेदी, मामे खान, श्लोक लाल ने लिरिक्स लिख दिए हैं भाई साहब, कॉन्सर्ट जैसा ही गाना लग रहा है। अनदर प्रॉपर सॉन्ग, नाइस नाइस गुड वन भाई, 3.5 मिनट का गाना है, फोक ट्यून भी घुसा ही दिया। ओके हुक अच्छा है, चीयर करने के हिसाब से भी ओवरऑल अच्छा गाना है, और गाने के हिसाब से अगर देखूँ तो प्रॉपर गाना है। एनर्जी थोड़ी सी कम लग रही है मुझे इस गाने में बट है अच्छी है। ये गाना मुझे लग रहा है गाने के हिसाब से ज्यादा बनाया है, चीयरिंग सॉन्ग के हिसाब से कम बना है। तो आई थिंक आई वुड कीप इट विद गुजरात थीम सॉन्ग। अगली टीम के गाने पे आते हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, द टीम विद द बिगेस्ट फैन बेस आई गेस। रॉयल, अरे आरसीबी लिखो यार, क्या मतलब आरसीबी लिखूं? कैजुअली रोस्टिंग ऑल द टीम्स, वो छिलका रे। 7 साल पहले एक गाना आया था जो हम नहीं सुनने वाले, और अभी एक लेटेस्ट गाना आया है इनका आरसीबी का, जो एलन वॉकर ने प्रोड्यूस किया है, तो हम सिर्फ वो सुनने वाले हैं। अबे एलन वॉकर की 4 ही कॉर्ड्स होती है क्या हर गाने में? वही सेम पैटर्न क्यों सुनाई देता है मेरे को हर गाने में? ऐसा नहीं लगता, एलन वॉकर का हर गाना कहीं पे भी बजा दो, उसके ही किसी भी गाने में बीच में बजा दो, फिट हो जाएगा। ये भी उसकी तरह लग रहा है, यू आर द वन टू माय लाइट व्हेन यू सी अस, वेयर आर यू नाउ अनदर डे, जो भी था पर वैसा ही। यू कैन हियर द स्टेडियम, ये होती है अच्छी प्रोडक्शन, ये होता है जब प्रोडक्शन गेम चेंज कर देता है। ओके टिपिकल एलन वॉकर, टिपिकल, बट जो रिवर्ब दिया ना यहाँ पे हुक लाइन में, दैट मेक्स द सॉन्ग बिग, कि एक स्टेडियम में बहुत सारे लोग गा रहे हैं ये गाना, और प्रॉपर गाना भी है ये। हिंदी भाई देखो, सबसे लास्ट में अभी तक लखनऊ, ठीक है लखनऊ से बहुत बेटर है, फिर उसके ऊपर आती है KKR, उससे बहुत बेटर है, फिर उसके ऊपर शायद मुंबई इंडियंस थी, उससे बहुत बेटर है, ओरिजिनल भी है और काइंड ऑफ, फिर उससे ऊपर थी शायद गुजरात और पंजाब, क्या उनसे ये बेटर है? जी हाँ, दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स में क्या ये बेटर है? टीम चेयरिंग कोशेंट के हिसाब से अगर मैं देखूं, और एज अ ओवरऑल गाना के हिसाब से अगर मैं देखूं, दिस थिंग टेक्स ऑल द बॉक्सेस एंड हेंस इट्स ऑन द टॉप फॉर मी। आई थिंक या द बेस्ट सॉन्ग मैन सो फार। खेल गए आरसीबी वालों, ऐसे ही ग्राउंड में खेल पाते तो बात ही क्या थी। खैर गाने की बात करते हैं हम, सिर्फ प्रोडक्शन जीत गए भाई मेरे हिसाब से, प्रोडक्शन वाज द गेम चेंजर। सनराइजर्स पे आते हैं अब, अच्छा ये वो है ओरेंज और मी, गो 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 गो, 17-18 बार तो गो आएगा। चेन्नई वाली बीट, बाय द वे एसआरएच की जर्सी मुझे तो अच्छी लगी भाई इस बार, और बाकी टीम्स की आरसीबी वालों ने क्या किया यार ये, पता है एनर्जी है वगैरह है ठीक है, बट एट दिस पॉइंट मुझे शोर लग रहा है। हाँ बट मे बी दैट चीयर्स द टीम, सिर्फ एनर्जी है बाकी तो मेरे को कुछ खास लगा नहीं। ओके अरेंजमेंट वॉज टू मच, या गो गो ऑरेंज आर्मी वॉज बेटर। तो ये हो गई सारी टीम का नजारे से कहा, अरे भाई क्या हो गया। तो ये थी सारी टीम्स और सबके सुन लिए हमने गाने। All right, so let's start from the bottom. सबसे नीचे नंबर 10 पे आती है लखनऊ सुपर जायंट्स का थीम सॉन्ग, पुअर म्यूजिकलिटी एंड थीम सॉन्ग के हिसाब से मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। नंबर 9 पे अगर मैं देखूँ तो आता है KKR का थीम सॉन्ग, नया थीम सॉन्ग। नंबर 8 पे अगर मैं देखूँ तो मेरे हिसाब से आता है मुंबई इंडियंस का थीम सॉन्ग, दे प्लेड सेफ एंड दे यूज्ड पुरानी ट्यून। और नंबर 7 पे अगर मैं देखूँ तो SRH का थीम सॉन्ग आता है, बिकॉज ऑफ टू मच ओवर अरेंजमेंट। और नंबर 6 पे आता है पंजाब किंग्स का थीम सॉन्ग, विच
इज नाइस एंड कैची एंड गुड एनर्जेटिक चेयरिंग सॉन्ग। और नंबर 5 पे आता है राजस्थान रॉयल्स का थीम सॉन्ग, विच वाज अ गुड ओवरऑल सॉन्ग बट इट लैग एनर्जी अकॉर्डिंग टू अ चेयरिंग सॉन्ग। 4 नंबर पे आता है गुजरात टेटम्स का गाना, जो कि बहुत बढ़िया लगा मुझे ओवरऑल। इट वॉज हैविंग एनर्जी, इट वॉज कैची, इट वॉज म्यूजिकल। और नंबर 3 की बात मैं करूँ तो चेन्नई और दिल्ली के बीच में ये दोनों पोजिशन ड्रॉ हो रही थी, तो मैंने फैसला किया कि क्यों ना मैं दिल्ली को रखूँ नंबर 3 पे। इट्स ओवरऑल वेरी वेरी गुड सॉन्ग और चीयरिंग और एनर्जी के हिसाब से मैं देखूँ तो वो भी बहुत बढ़िया तरीके से फुलफिल की गई है एंड इट्स अ कैची सॉन्ग। और नंबर 2 पे आता है चेन्नई सुपर किंग्स का गाना, और ये इसलिए डाला है मैंने नंबर 2 को दिल्ली से ऊपर बिकॉज ऑफ बीइंग मोर आइकॉनिक देन द दिल्ली कैपिटल सॉन्ग। ये बहुत पुराना गाना है और वही चला आ रहा है सदियों से, और एनर्जेटिक है, कैची है एंड म्यूजिकल है, और इट सूट्स एज अ थीम सॉन्ग। और नंबर 1 पे जैसा कि मैंने पहले बता ही दिया था आरसीबी, थैंक्स टू मिस्टर एलन वॉकर, भाई आरसीबी को दे दो भाई ट्रॉफी थीम सॉन्ग की। तो ये थी आईपीएल टीम्स के थीम सॉन्ग की रैंकिंग, और हॉट टॉपिक होने के कारण बना दी मैंने ये वीडियो इस वक्त। आई होप यू एंजॉय इट एंड आई होप यू विल लाइक इट एंड आई होप दैट यू होप दैट आई एम होपिंग दैट यू आर होपिंग दैट वी आर बोथ होपिंग दैट वी बोथ बाय। ओ छिलका रे।